दिख रही हैं, तो यहाँ बैठे बैठे पढ़ाई रट रही होंगी और गुथती गई गुथती गई। तो जो टिक के तूने भोग की बिस्किट क्यों नहीं खाई थी है? ये खा तू, ये तो चलो इसको खा ले, छा ले इसलिए बिस्किट दे रहे हैं। छोड़ने लगा है तो हम ये भाजी डाल देते हैं। पर सूखी भाजी अभी तक नहीं बनाई है, ये फर्स्ट टाइम ट्राई। संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। आज मैंने भगवान जी को बिस्किट का भोग लगाया हुआ है। का 10 बज रहा है, हम लोग खाना पीना खा लिए हैं काफ़ी देर पहले और हम बैठे हुए थे श्रेया हॉल में, पढ़ाई कर रही है तो चलो चलते हैं। अब उसने आवाज लगाई थी तो चलो पढ़ाई हो रही तेरी है। हम पढ़ ही रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? करते करते हो गई, पढ़ते पढ़ते मैं आवाज़ तो आ रही थी, तू पढ़ रही थी, मुझे लगा ये पढ़ रही है, पर क्या कर पढ़ ही रही थी, तो ये क्या करके रखी? देखा क्या करके रखे, कितनी सारी गुथली, ये पढ़ते पढ़ते ऐसे मन लग गया तेरा है, क्या किया ये? ओ माई गॉड, ये पढ़ते पढ़ते, अरे वाह, ऐसी पढ़ाई होती है भाई? किसी को करना है ऐसी पढ़ाई? आवाज़ आ रही थी, इतना तो पता था इसकी आवाज़ आ रही है, पढ़ रही है। मैं ऐसा नहीं, मैं नोटिस करती रहती हूँ, बट श्रेया ये क्या है, तेरे हाथ कैसे पहुँच गए ऐसे आगे पीछे ऐसे, ये देख 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 देख, अरे बाबा बाबा, मैंने कभी नहीं करी ऐसी छोटी, ये कि 17-18 ठोकर ली, पीछे भी है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या है हैं, क्या है ये? पढ़ाई हो रही थी तेरी, इस साइड भी है, इधर कितनी है? अरे रे रे रे, राम 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 राम, ये पढ़ाई हो रही थी तेरी हैं, ऐसी पढ़ाई हो रही थी क्यों? आवाज़ आ रही थी, मैं देख रही थी कि चलो बिटिया पढ़ रही है हैं, पर तू ये अच्छा हाथ तेरे चल रहे थे क्यों? आईना सामने लगा हुआ है, बहुत मारूंगी आईने के पास में, यहाँ बैठेगी अब तू इस साइड, ठीक है? खराब हो जाएंगे बाल, कल छोटी नहीं होगी, स्कूल जाना है, हाँ छोटी नहीं होगी, और धोले बालों में तूने आधे गीले बालों में करी है, हेल्प करा दूँ? मैं नहीं कर सकती, जैसे करी थी ना, और पढ़ते पढ़ते अब इसको खोलना भी स्टार्ट कर दे, उसमें क्या है? हाँ ऐसी पढ़ाई होती भैया, ऐसी पढ़ाई कोई मत करना प्लीज़, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट क्या बोलूँ मैं, देखो देखो बाल बाल रोल हो गए हैं, देख लो, तुमको पता था धुले बालों में नहीं करना चाहिए, वो रोल दिख रहा है तुम्हारे बाल। हाँ वो तो हो गए देखो, ये पढ़ाई हो रही थी इनकी, यहाँ से दिखती हैं ये आईने में, ये देखो ये आईना है, तो यहाँ से ये दिख रही हैं, तो यहाँ बैठे बैठे पढ़ाई रट रही होंगी और गुथती गई। तो जो टिक के तूने भोग की बिस्किट क्यों नहीं खाई थी है? ये खा तू, ये तो चलो इसको खा ले, छा ले इसलिए बिस्किट दे रहे हैं। बाहर की लाइट बंद कर दी थी, वहाँ की नहीं, कपड़े उठा लेना बेटा, रात में कपड़े नहीं डालते हैं बाहर हैं, मजा नहीं, क्यों खुलवाओ, क्यों खुलवाओ, ऐसे रटते रटते खोल लो, यहाँ से बोली थी मैंने कि बॉटल अलग कर ले, ये कब का है? कल भरी थी माशा, अब मत पीना है, चलो मैं पानी दे दूँ उसे।
बंधन दिलो के बंधन लो, चलो पढ़ाई कर लो, ये फालतू का टाइम पास मत किया करो, ठीक है। बंधन दिलो के बंधन, ये बंधन दिलो के बंधन, बंधन ये बंधन। चलो मैं अभी पानी पी लूँ, प्यास लगी थी। चलो तो पानी पी लेते हैं। ये क्लिप कहाँ जुड़ेगी मुझे नहीं पता, ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मॉर्निंग का टाइम है और हम आए हुए हैं छत पर। यहाँ पर भगवान जी नहलाए थे ना, तो वो जल था और फूल भी तोड़ लेते हैं, फूल चढ़ा देंगे उनको। अभी पहली बात तो एक ही प्रकार का फूल हो रहा है हमारे इधर, गेंदा लगाए हुए हैं पर अभी उसमें ना छोटी छोटी बौणियाँ हैं, अभी फूल नहीं हुए हैं। और एक पौधे से चार पांच पौधे कैसे बनाने हैं वो प्रक्रिया अभी तक मैंने की नहीं। रोज़ आती हूँ, रोज़ देखती हूँ, तो सोचती हूँ आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, आज कर लूँगी, और फिर आज आज में समय ही बीतता जा रहा है तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फूल तोड़ लेती हूँ और ये फूल बहुत अच्छे लगते हैं, भगवान जी बिल्कुल से खिले खिले लगने लगते हैं। तुलसी भी तोड़ लेती हूँ, कोई कोई दिन ऐसे रहते हैं कि हम तुलसी नहीं तोड़ सकते तो एक्स्ट्रा तोड़ के रख लेती हूँ मैं कभी कभी, और जब रोज़ाना तोड़ते हैं तो खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम फूल को धो लेते हैं और फिर भगवान जी के पास ले जाएंगे, चढ़ाएंगे। तो अच्छे से फूल और तुलसी धो चुकी है, धो के भी तुलसी मिला देंगे। तो यहाँ पर यानी थोड़ी देर ही पूजा हुई है, ज़्यादा नहीं हुआ, 5 मिनट हुआ है, पर मैंने बोला भगवान जी आप वेट करो मैं फूल लेके आती हूँ। तो यहाँ पर हैं हमारे भगवान जी। और आज मैं बनाने वाली हूँ, श्रेया तो स्कूल चली गई है तो मैंने बोला दोपहर टाइम बना लूँगी, टिफिन उसका बन चुका है। तो ये तो सूखी चने की भाजी है अब आप लोग जो मैंने बॉईल कर ली है, और ये टमाटर अदरक लहसुन और मिर्च है, दो मिर्च है, एक टमाटर अदरक लहसुन है, तो इनको मैं पीस लेती हूँ, फिर देखती हूँ कैसी लगती है स्वाद में। एक दिन पहले मैंने पराठे बनाए थे, दोबारा से फिर दिख गई, तो मैंने बोला चलो इसको अपन खत्म कर देते हैं। अभी फिर से चने की भाजी 11 के बाद हमको मिलने लगेगी, क्या 11 की पूजा होने के बाद ही कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं इसको धो करके बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद जो अदरक लहसुन, सिर्फ अदरक लहसुन ही मैंने मिलाया है, मिर्च मैंने अवॉइड कर दी है इसलिए क्योंकि श्रेया को नहीं खाने देना है अभी मिर्च, और देखते हैं कैसी बनती है। सोचा मेरे दिमाग में यही चल रहा कि अगर अच्छी नहीं लगी स्वाद में तो राहर की दाल को बॉयल करके और उसमें मिला दूँगी तो वो ठीक रहेगी, आगे मैंने वीडियो पर बोला भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं और ये साग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बनाते हैं। करीब 3:30 बज रहा है तो मैंने यानी कि सोचा कि चलो बना के रख देते हैं और साथ में रोटी या चावल बना लेंगे। तो श्रेया कोचिंग से आने के बाद अगर उसके पास जल्दी जल्दी, वैसे भी 5-10 मिनट का टाइम रहता है क्योंकि ड्रेस चेंज करके और चाय वाय पी करके वो चल जाती है, अगर उसके मूड के ऊपर रहता तभी चाय पीती है। तो ये है हींग, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ जाएगी तो हींग भी मिला देते हैं। जब मैंने श्रेया से कहा, श्रेया बोलती मम्मी क्या बनाए, मैंने चने की भाजी, बोलती ओ मम्मी कहाँ मिल गई आपको, लगा दिया है कपड़ों का ढेर। ऐसा लगा था जैसे कि कोई आवाज़ दे रहा है, इस कारण से मैं गई थी छोड़ करके, तो कोई नहीं था। तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें धनिया पाउडर, डाल देती हूँ हल्दी पाउडर और कुछ नहीं, मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि श्रेया को छादे हैं तो मिर्च नहीं डाल रही हूँ। तो ये मसाला हमारा लगभग तैयार हो गया, क्योंकि तेल छोड़ने लगा है तो हम ये भाजी डाल देते हैं। ये नमक है,
देखो हम पकाएंगे 5 मिनट करीब, फिर हमारी ये भाजी चने की बनकर तैयार है। अब देखते हैं कैसी बनती है ये। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि वैसे ताज़ी ताज़ी भाजी तो हम बनाते हैं, पर सूखी भाजी अभी तक नहीं बनाई है। ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मन तो कर रहा है कि जल्दी से ये पक जाए और मैं खाने लगूं। एक रोटी के साथ चेक करके देखती हूँ कैसी बनी है, फिर रोटी या चावल बना लूँगी। खुशबू बड़ी ज़ोरदार आ रही है। अगर खाने में अच्छी नहीं लगी तो फिर अरहर की दाल बना करके और बॉईल करके और दाल में मिला लूँगी, तो वो बढ़िया फिर बनेगी, या दर भजिया टाइप में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये है हमारा खाना, पापड़, मिर्च, चावल और भाजी। सच में इतनी स्वादिष्ट भाजी बनी थी। अब की बार से फिर से ऐसी सूखी भाजी रख लिया करूँगी, तो कम से कम बना के हम खा सकते हैं।